ये वही वेन्यू था 1999 का जहां हम वर्ल्ड कप फाइनल में आ रहे थे। तो ये एक तो वो भी मेमोरीज हमारे जेन में थी, शायद अफरीदी थे तो उनके साथ मैं यही बात कर रहा था कि हम 1999 के वर्ल्ड कप में हमें कामयाबी नहीं मिली थी, ये वही इवेंट है, ये वही लोग हैं, तो इस वर्ल्ड कप में हमने ये कामयाबी लेनी है। और 92 के वर्ल्ड कप के बाद कोई भी पाकिस्तान ने बड़ा इवेंट नहीं जीता हुआ था, तो तकरीबन इसको 17 साल हो चुके हुए थे। तो जब हम मीटिंग होती थी तो हमारे जो कैप्टन थे या तो वो यही बोलते थे कि पाकिस्तान को 17 साल हो गए हैं, कोई भी ICC इवेंट नहीं आपने जीता, तो ये जो इवेंट है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बाद यही हुआ, जीतने के बाद हम जहाँ भी जाते थे, इवन रेस्टोरेंट या कहीं स्टोर वगैरह, तो लोग हमारे से पैसे नहीं लेते थे कि जी आपने पाकिस्तान को खुशी दी है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप लेके दी है, शाहिद अफरीदी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है, बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो, तो ऐसे प्लेयर कम होते हैं। और जैसा उन्होंने कैच पकड़ा, मैं समझता हूँ कि पूरी टीम लिफ्ट हुई। कोई भी प्लेयर जब ऐसी परफॉर्मेंस देता है तो ऑटोमेटिकली जो इवन जो 11 खेल रहे थे वो नहीं, जो बाहर बैठे हैं वो भी पंप अप होते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलती है कि यार कि ये है जो पाकिस्तान के लिए हमें करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ वो कैच से क्राउड भी पाकिस्तान के फेवर में था और वहाँ से मोमेंटम बना न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो हम वहाँ से फिर जीते चले गए। अगर आपको ऊपर के ओपनर्स अच्छा खेलें, टीम के लिए खेलें और अग्रेसिव होकर खेलें जैसे सईद अनवर खेलते थे, तो ये चीज़ें जो बाहर बैठे होते हैं जिन्होंने नेक्स्ट जाना होता है, तो वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड से खेलते हैं, वो उसको मोमेंटम को तोड़ने नहीं देते। अगर कामर अकमल खेल रहा है तो उसने अगर 6 ओवर में 55 कर दिया पूरी टीम का, तो जो जब आउट होता है तो जो नेक्स्ट बैट्समैन होता है तो वो उसी जेन में जाता है कि इसी एवरेज को हमने मेंटेन करना है, इसी मोमेंटम को मेंटेन करना है। पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे पास ये जो सईद अजमल और शाहिद अफरीदी का ये कपल था बहुत ही आउटस्टैंडिंग था भाई। ये अनप्लेबल थे और विकेट भी लेके देते थे, रन्स भी रोकते थे, जिससे दूसरी टीमों को प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसके बाद उमर गुल आ जाते थे, तो उमर गुल के 4 ओवर जो आखिरी होते थे वो बहुत ही ज़बरदस्त करते थे, जिसमें बिल्कुल रन देने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी और विकेट भी लेते थे। अगर मैं अपनी बात करूँ 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, तब मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं भी क्रिकेटर बनूं, मुझे भी क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो ये इवेंट ऐसे होते हैं जिससे यंगस्टर के लिए बड़ी प्रमोशन के बायस बनते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हर प्लेयर चाहता है कि उसके कैरियर में कोई ना कोई ऐसे इवेंट हो जो जिससे उसको प्राउड फील हो। और मैं समझता हूँ कि 2009 का वर्ल्ड कप जो जीतना मेरे लिए एक बेस्ट मोमेंट थे।